न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। कल्याण डोंबिवली के 9वें प्रॉपर्टी एक्सपो में 4 दिवसीय प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए प्रदर्शनी के चेयरमैन अरविंद वरक एवं दीपक मेहता ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 60 से अधिक विकासक भाग ले रहे हैं, जिसमें एक ही स्थान पर 125 से अधिक प्रोजेक्ट की जानकारी लोगों को एक ही जगह पर हासिल होगी। कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, वांगनी और नेरल आदि क्षेत्रों में अपने बजट का घर खरीदने के लिए अच्छा विकल्प। महापालिका अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है, मगर जो सुविधा हमको मिलनी चाहिए, जो हिसाब से यहाँ पे ग्राहक आना चाहिए, वो लोगों की अपेक्षा है कि अच्छे ब्रिज होने चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, अच्छी पानी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों की एक इच्छा है कि कल्याण डोंबिवली शहर है, बड़ा शहर है, इसमें थाना में जो अभी हो रहा है, मुंबई में जो हो रहा है, जो जोर से हो रहा है, वो जोर से कल्याण डोंबिवली में भी राज्य शासन के तरफ से, महापालिका के तरफ से अच्छे काम होने जरूरी है। जर्जर इमारतों के बारे में हमने 4 FSI की बात की है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव जी ठाकरे साहब, आदरणीय नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनको हमारी विनती है कि आने वाले दिनों में कल्याण में जो जूना पुराना बिल्डिंग है उसको 4 FSI मिले। यहाँ पे क्लस्टर योजना, यहाँ पे SRA योजना आना चाहिए और जल्द से जल्द यह कल्याण डोंबिवली का विकास होना चाहिए।